हाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो बजरंग इंसान में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। तो बने रहिए आज के एक नए से वीडियो में, ओके। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको पहले मिल जाए। और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और आज का टॉपिक बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग लेके आया हूँ। वैसे तो ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये कमेंट आया था, एक सवाल आया था, पूछ रही थी एक, तो मैं सोचा कि ये वीडियो मैं कमेंट में ना बता के एक प्रॉपर वीडियो बना के डालूँ, ताकि सभी लोगों को पता चल सके इसके बारे में। शायद सभी लोग जानना चाहते होंगे। तो आज का टॉपिक आया है, कमेंट में आया था कि मेरा संकल्प, जैसे 7 डेज का हम संकल्प कर रहे हैं, या मतलब जो दूसरा संकल्प कब से उठा सकते हैं, कब से ले सकते हैं, ये सवाल है। जैसे आप 7 डेज का संकल्प ले रखे हो, तो अगले सोमवार को ख़त्म होगा, तो क्या मतलब दूसरा संकल्प इसी सप्ताह या कुछ मतलब ले सकते हैं या? मैं कहूँगा हाँ, ले सकते हैं, अगर आप सक्षम है तो। जैसे आप 7 डेज का ले रहे हो, मंगलवार से स्टार्ट कर रहे हो, तो अगले सोमवार को ख़त्म होगा, फिर अगले मंगल, फिर कल हो के मंगल पड़ता है, तो आप लोग संकल्प फिर से ले सकते हो, दूसरा संकल्प ले सकते हो, अगर सक्षम हो तो। आप रूल्स फॉलो करते हो, अगर आप, अच्छी बात है, रूल्स फॉलो कर लोगे तो ज़रूर से ज़रूर दूसरा संकल्प ले सकते हो। अब मैंने बताया कि इसमें क्या रूल्स रहते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना है, सात्विक भोजन करना है, गंदे वीडियोस नहीं देखने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ना बोलना है, ना ही देखना है। अगर गलती से अगर देख लिए, अगर वीडियो, अगर फोटो, आजकल फेसबुक यूट्यूब पे सब जगह आलतू फालतू डालते रहते हैं लोग, अगर गलती से देख लिए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप खुद सर्च करके नहीं देखिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अगर इतना कर रहे हैं आप, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, अगर ऐसे भी ये सब हो रहा है आपको, तो फिर अगले 7 डेज कर रखे हैं, तो फिर अगले सोम मंगलवार से आप लोग संकल्प ले सकते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बार बार बोलता हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भगवान प्यार के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को आप इतना सारा लड्डू मिठाई ये सब पेड़ा वेरा अगर चढ़ा दोगे, फूल चढ़ा दोगे, कुछ से उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वो श्रद्धा है, आप लोग करो, ठीक है, लेकिन भगवान सबसे ज़्यादा भाव के भूखे हैं, भगवान कण कण में बसे रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग हाँ कर सकते हो, अच्छी बात है ना, आप 7 डेज करके फिर अगला संकल्प ले रहे हो, तो इससे आपका ही फायदा है। क्या फायदा होगा, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, आपका मन पवित्र हो जाएगा, तन भी, मन तन सब पवित्र हो जाएगा, आप पॉजिटिव फील करेंगे, निगेटिविटी आपसे दूर जाएगा, बजरंगबली का साथ मिलेगा, आप मजबूत, आपको लगेगा कि मेरे आसपास मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, आपको खुद लगेगा, महसूस होगा। तो हाँ, दूसरा संकल्प ले सकते हो, 7 डेज का किए तो अगले सोमवार ख़त्म होगा, तो अगले मंगल से ले सकते हो, या 11 डेज का तो अगले सोमवार या शनिवार, मतलब मंगलवार या शनिवार से स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये भगवान की बात है। इसमें बांधा हुआ नहीं रहता कि आप, मैं संकल्प मेरा ख़त्म हो गया तो अगले इसी एक महीने बाद, 10 महीने बाद, मतलब 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, ऐसे करके नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी संकल्प एक, जैसे मेरा ख़त्म हुआ अगले मंगलवार या शनिवार पड़ता था, मैं संकल्प ले लेता था, तो ये सब कुछ नहीं है। आप लोग ले सकते हैं संकल्प, बसरते आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर सक्षम है तो आप लोग कर सकते हैं, अगर मैं तो सात्विक भोजन करता हूँ तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग जैसे कि 7 डेज तक लहसुन प्याज ये सब अगर त्याग रहे हो, फिर अगले संकल्प के लिए रेडी हो तो आप लोग उठा सकते हो, अगर रेडी हो तो। हाँ, इसमें नियम नहीं है कि हाँ 15 दिन बाद, 2 महीने बाद मैं करूँगा। दूसरी मनोकामना के लिए आप कर सकते हो, मैं मनोकामना के लिए भी करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मनोकामना के लिए करता हूँ, लेकिन कम से कम भगवान से जुड़ तो रहे हैं ना। मैं अगर मनोकामना के लिए बोलता हूँ तो मनोकामना पूर्ण हो या ना हो, मैं प्रभु पे छोड़ देता हूँ, प्रभु को पूरा करना होगा तो वो करेंगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरा करेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए जो अच्छा होगा वही प्रभु करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यही सोचता हूँ, ये मेरा सोच है, यही मैं आप लोग को मैं सोचने के लिए बोलूँगा। आप लोग मनोकामना के लिए बोल दो, प्रभु को सिर्फ मनोकामना के लिए याद करोगे तो ऐसी बात नहीं है ना, प्रभु को डेली याद करो, रोज भगवान से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है ना। तो आज क्लियर हो गया बात, अगर कोई भी कंफ्यूजन तो फिर से आप कमेंट में बोल सकते हो, कुछ क्लियरिटी करने के लिए आप लोग मुझसे सवाल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो डू यू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय, हर हर महादेव। और मेरा सेटअप रेडी होने वाला है, तो जल्द से जल्द मेरा सेटअप रेडी हो जाएगा, फिर अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगा अंदर, और सारे टॉपिक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच, इंजॉय करते रहिए, फॉलो करना मत भूलिएगा, बाय बाय।